साइशा का मतलब है एक मीनिंगफुल लाइफ विमेन को देने का। जिनका ये ब्रेस्ट निकाल दिया है वो वैसे ही इतने पेन में रहते हैं, तो हमें लगता है हम उनके दिल के पास रहते हैं, इसलिए हमें कुछ करना है। हम लोग मास्टेक्टोमी सर्वाइवर्स के लिए हाथ से बिने हुए या क्रोशिया किए हुए प्रोस्थेसिस बनाते हैं, जिनको हम प्यार से नॉकर्स बोलते हैं। ऑक्टोबर महिना हा ब्रेस्ट कॅन्सर अवेअरनेस महिना म्हणून ओळखला जातो। या महिन्याचं विशेषत्व अधोरेखित व्हावं यासाठी याला पिंक ऑक्टोबर असंही म्हणतात। अलीकडे महिलांमध्ये स्तनांचा कर्करोग होण्याचं प्रमाण वाढलं आहे आणि जेव्हा एखाद्या महिलेवरती तिचा स्तन काढण्याची वेळ येते आणि शस्त्रक्रिया करून तिचा स्तन काढला जातो, तेव्हा तिला एक निराशा येते। आपण आता निरुपयोगी झालो अशीच भावना तिच्यामध्ये वाढीला लागते। पण असं निराश होण्याचं कारण नाही, तुमची जी एक रिकामी बाजू झालेली आहे ती कशी भरता येईल याचा विचार करून साईशा इंडिया फाउंडेशनने एक अत्यंत स्वागतार्ह पाऊल उचलत अशा महिलांच्या चेहऱ्यावरती हास्य फुलवलं आहे। हा उपक्रम नेमका कसा आहे हे आपण आज जाणून घेणार आहोत। या फाउंडेशनशी जोडल्या गेलेल्या शुभा नायर आज बेळगावमध्ये आहेत आणि बेळगावमध्ये त्यांनी या कामाची सुरुवातही केलेली आहे। हा उपक्रम नेमका काय आहे आणि साईशा फाउंडेशनचं काम कसं चालतंय हे आपण आज त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। शुभा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका तरुण भारत यूट्यूब में। आप ना परिचय दीजिए, आप कहाँ की हो और बेलगाम में कैसे आए हो? मैं शुभा अय्यर और मैं साईशा इंडिया फाउंडेशन के एक वॉलंटियर हूँ और मैं बेसिकली हम जो हैं चेन्नई साइड के हैं, मदुरई के हैं, लेकिन हमारे हस्बैंड के जॉब की वजह से भारत के हर कोने में रह चुके हैं हम। और यहाँ पे मेरा बेटा जो है डॉक्टर श्रीधर अय्यर, वो KLE इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर है और उसके साथ में रहने के लिए हम यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। ये जो साईशा फाउंडेशन है, हाँ जी, उसके बारे में हमें जानकारी दीजिए। हाँ जी, साईशा इंडिया फाउंडेशन, साईशा का मतलब है एक मीनिंगफुल लाइफ विमेन को देने का, विमेन और बच्चों को। पहले हम विमेन का बात करेंगे। साईशा इंडिया फाउंडेशन जो है मार्च 2018 में चालू हुआ था। इसके फाउंडर श्रीमती जयश्री रतन हैं और उनके साथ मिस्टर कुमार रतन हैं। हम लोग ये फाउंडेशन जो है करीब 5-6 लोगों के साथ शुरू हुआ था और आज को हम जो वॉलंटियर्स हैं लगभग 500 वॉलंटियर्स हैं। हम लोग मास्टेक्टोमी सर्वाइवर्स के लिए हाथ से बिने हुए या क्रोशिया किए हुए प्रोस्थेसिस बनाते हैं, जिनको हम प्यार से नॉकर्स बोलते हैं। लेकिन भारत में यहाँ किसने लीड लिया ये शुरू करने के लिए? यहाँ पर श्रीमती जयश्री रतन, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। ये हमारी फाउंडर हैं, साईशा इंडिया फाउंडेशन की फाउंडर जो हैं श्रीमती जयश्री रतन हैं। ये मुंबई में रहती हैं और हम चार पूरे भारत में फैले हुए हैं, हर राज्य में है, हर ज़िले में है और करीब 500 लोग हैं हम लोग जो यही काम करते हैं। ये संकल्पना उनके मन में कैसे आई? जयश्री रतन जो है US विज़िट करने के टाइम में उन्होंने ये देखा कि वहाँ पे जिनका मास्टेक्टोमी हुआ है वो इस तरह के नॉकर्स यूज़ करते हैं। जब वो वापस भारत आई तो उन्होंने अपने एक रिलेटिव का जाना कि उनको मास्टेक्टोमी हुआ है, तो उन्होंने उसको पूछा कि मैं ऐसा बना के दूंगी इस तरह का, तो तुम यूज़ करके मुझे बता सकती हो क्या? तो वो रिश्तेदार जो है बहुत ज़्यादा खुश हो गई क्योंकि ये हल्के हैं और एकदम कंफर्टेबल हैं, सॉफ्ट हैं और सबसे ज़्यादा इसमें एक पर्सनल टच है। तो जब उनको ये पता लगा कि ये सक्सेसफुल है, वो रिलेटिव बहुत खुश हो रही हैं, तब उनके दिमाग में ये चीज़ आया कि हमको ये सभी के लिए शुरू करना चाहिए। जितने भी मास्टेक्टोमी सर्वाइवर्स हैं उनको हम ये दे सकते हैं। मैक्सोस्टोमी जो है ना, वो यानी कि ब्रेस्ट निकाल जाती है। हाँ। तो बहुत सारी औरतों को आज ये डर फैला हुआ है कि ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है। तो जिन महिलाओं को आप ये देते हो वो कैसे पहुंचाते हो उनको और ये काम कैसे शुरू हो गया पूरा? हाँ, ये जब हम लोगों ने शुरू किया तो हम लोग जो है मेडिकल शॉप्स में जाते थे, लोगों के अपनी जैसे किटी पार्टी होती है या कहीं, तो वहाँ हम वर्ड ऑफ माउथ कह सकते हैं आप इसको, हमने इसका प्रचार जो है इस तरह से किया कि जैसे अब मैं आपसे मिली तो आपको दिखाया कि ये चीज़ मैं करती हूँ। सोशल मीडिया में बहुत छा गए क्योंकि हमने सारा कुछ अपना ऑनलाइन ट्रेनिंग भी शुरू किया, ऑनलाइन वॉलंटियर्स का इंटरव्यू भी शुरू किया, तो इस तरह से इसका प्रचार हुआ और लोगों तक ये पहुँचा। लेकिन ये नौकर बनाने के लिए कौन सा मटेरियल यूज़ किया जाता है, वो कहाँ से मंगाया जाता है, हाँ। और एक नौकर बुनने के लिए कितना टाइम लगता है? हाँ। नौकर जो है पूरा ये कॉटन का धागा है और ये स्पेशल धागा है, मर्सराइज्ड कॉटन है ये, और ये वॉशेबल है, वॉश करने से भी इसकी मतलब आकृति, इसका शेप भी नहीं बदलता और धागा ख़राब भी नहीं होता है। लेकिन आप ये सभी पूरा बिना शुल्क कर रहे हो, हाँ। तो इसका फंडिंग कैसा होता है? इसका फंडिंग सब वॉलंटियर्स अपने आप से ही करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं। हम देखिए होटल जाते हैं, पिक्चर जाते हैं, होटल जाते हैं, हम बिल पे करते हैं, उसके बाद हम टिप में ही कितना 50-100 ऐसे दे देते हैं। तब ये महिलाओं को ये लगा कि नहीं, मतलब जो हमारे साथ जुड़े हैं, एक तो सबसे ज़्यादा यहाँ से आना चाहिए दिल से कि हमको ये काम करना है, और हम लोग को कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि हम निःशुल्क कुछ चीज़ कर रहे हैं। हमें ये लगता है कि हम उनके दिल के पास रहते हैं, जिनका ये ब्रेस्ट निकाल दिया है वो वैसे ही इतने पेन में रहते हैं, तो हमें लगता है हम उनके दिल के पास रहते हैं, इसलिए हमें कुछ करना है। हम और तो उनका कुछ नहीं कर सकते, पेन ले नहीं सकते, पर हम उनको एक कम्फर्ट फील करा सकते हैं कि भाई हम आपके दिल के पास हैं, आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ऑल इज़ वेल। ऐसा बहुत तरह के कैंसर होते हैं, हाँ। लेकिन जब भी ब्रेस्ट कैंसर होता है ना, तो महिलाएं अपना आत्मविश्वास ही खो देती है, हाँ। तो आपको क्या लगता है? बराबर ये चीज़ होता है। ये हमारे, हम लोग जब फीडबैक लेते हैं महिलाओं से, तो एक फीडबैक हमारे पास इस तरह से आया था कि उस महिला का जब ब्रेस्ट कैंसर हुआ तो ही लोगों ने, उसके घर वालों ने थोड़ा मुँह बनाना शुरू कर दिया कि पैसे खर्च होंगे, ये हुआ, और जब उसका ब्रेस्ट निकाल दिया गया तो उसको घर से ही निकालने की वहाँ तक की स्थिति आ गई थी कि अब तुम तो औरत रह नहीं गई हो, अब तुमको इस घर में क्या काम है। पर जब उसको हमारा ये प्रोडक्ट मिला, उसने जब ये यूज़ करना शुरू किया तो अब घर वालों ने भी उसे एक्सेप्ट किया है और वो आराम से अपने घर में रह पाई है। इस तरह के फीडबैक हमें कई सारे फीडबैक मिलते हैं। आप इस पूरे कार्य से कैसे जुड़ गई? पता नहीं, हम तो दिल से जुड़ गए। और लेकिन शुरुआत मतलब कैसे हुई? शुरुआत हमारी वही हुई कि हम, जयश्री रतन जो है हमारी दोस्त हैं, उन्होंने जब इस चीज़ को हमारे पास बताया कि ये बनाना है, तो सबसे पहले तो हमारा मतलब दिमाग में ये आया कि अरे हम तो किसी के बॉडी का पार्ट बना रहे हैं, तो ये मतलब कितनी अच्छी चीज़ है, और भगवान ने हमें सेलेक्ट किया है, इसके आगे तो हमें कुछ सोचना ही नहीं था। तुरंत हम लोगों का जो है हाथ चलना शुरू हो गया, दिमाग चलना शुरू हो गया, और हम लोग हर जगह जाने लगे कि जहाँ पे ये हॉस्पिटल्स में है, संस्थाओं में जाने लगे कि भाई ये चीज़ें हम लोग बनाते हैं, अपने हाथ से बनाते हैं और हम कंफर्ट फील कराना चाहते हैं। आपके साथ इस काम में पूरी दुनिया में और भारत में कितने लोग जुड़े हैं? हम लोग लगभग 500 लोग हो गए हैं अब वॉलंटियर्स। हमने शुरुआत की थी 6 लोगों से, अब हम लोग 500 लोग हो गए हैं। आपको ज़रूरत भी होगी वॉलंटियर्स की? हाँ, वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, और मैं चाहती हूँ कि बेलगाम में और महिलाएँ सामने आए, हमसे जुड़े इस काम के लिए, क्योंकि बेलगाम में सिर्फ मैं हूँ और मेरे साथ में डॉक्टर ज्योति मजूरकर, वो जुड़ गई हैं। आप तक तो वो अकेली है आपके साथ? हाँ, अभी हाँ, बस हम दो ही हैं। हाँ, थोड़ा औरतों का ऐसा होता है कि हर एक का साइज अलग अलग हो सकता हाँ, है हाँ, कभी डॉक्टर बोलते हैं कि ये निकालने की भी ज़रूरत नहीं है हाँ, तो ऐसा उनको जब खालीपन आता है हाँ, तो ये आप यूज़ करते हैं हाँ, तो आपको साइज़ वगैरह कैसा होता है पता हाँ, चलता? ये हम लोग अलग अलग साइज़ के बनाते हैं, ए से लेके हम लोग EEE साइज़ तक के बनाते हैं, तो जिनको भी जो साइज़ चाहिए रहता है वो अपना साइज़ बताते हैं, और इसमें हम लोग टैग भी कर देते हैं कि ये साइज़ का बना हुआ है करके ना, इस तरह से टैगिंग हो जाती है। तो और इसमें नॉट फॉर सेल ऐसा, नॉट फॉर सेल भी हम लोग डाल देते हैं। ये बिकाऊ बिल्कुल नहीं है, ये हम जिसको भी देंगे, हॉस्पिटल में या संस्थाओं को देते हैं, तो ये बिल्कुल निःशुल्क ही देना है, इसमें कुछ भी पैसा चार्ज नहीं करना है। और ये ऐसे हाथ में लिया तो बहुत हल्का है हाँ, तो वो बिठाते समय अगर कुछ हैवीपन उसको थोड़ा सा चाहिए होगा तो हाँ, क्या कर सकते? तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक छोटा सा कपड़े का पाउच बना के उसमें हम लोग 1 या 2 रुपए का कॉइन डाल देते हैं, और इसके अंदर ना ये पीछे से खुल जाते हैं ये नॉकर्स, इस तरह से ये जो है इसको खोल सकते हैं इसको, हाँ, इस तरह से हाथ डाल के जैसे खोल दिया और छोटे पाउच में इसके अंदर डाल दिया, उसके बाद आप इसको कस लीजिए ना, ये ऐसे इस तरह से हो जाता है, और ये बिल्कुल जिस भी इसमें पहनना है आपको, ब्लाउज़ में या सलवार कमीज में, आराम से फिट बैठ जाते हैं और बॉडी का शेप भी ले लेता है उसी तरह से। दूसरा क्या है कि हम लोग इसमें इतना फाइबर डाल देते हैं, ये देखिए खूब सारा फाइबर डाल देते हैं। इसको पीछे से खोल के जिन महिलाओं को इसको कम करना है वो इसमें से फाइबर ऐसे निकाल सकती हैं और इसको एक प्लास्टिक में डाल सकती हैं। ये बाद में ये जो है कम हो जाता है ना, फिर अगर उनको दोबारा इस फाइबर को यूज़ करना है तो ये इसके अंदर डाल के फिलर्स को यूज़ कर सकती हैं और इसको पीछे से कस लें। बस ये बहुत ही आसान, ये आराम से हाथ से धुल जाते हैं। धुलने के बाद इनको जस्ट ऐसे प्रेस करना है ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। और जिनको जल्दी इसको सुखाना है वो हेयर ड्रायर यूज़ कर सकते हैं इसको जल्दी सुखाने के लिए जी। जिन महिलाओं का एक ब्रेस्ट निकाला जाता है उसको उनको हम दो देते हैं हाइजीन पर्पस से, ताकि वो एक इस्तेमाल कर सके, एक वो वॉश करके रख सके। जिनको दोनों ब्रेस्ट निकाल देते हैं उनको हम चार देते हैं। और ये ड्यूरेबिलिटी कितनी है इसकी? कम से कम 2 साल की है। 2 साल के बाद फिर से वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको ये फिर से निःशुल्क मिल जाएगा जी। हाँ जी। इस चीज़ के अलावा साइशा इंडिया फाउंडेशन जो है ये कैंसर कैप्स बनाते हैं। ये कैंसर कैप्स जो है 6 महीने के बच्चे से लेकर 14 साल के बच्चों तक का बनता है। ये भी जो है कॉटन का धागा है, मर्सराइज्ड कॉटन, और ये हाथ से बुने हुए रहते हैं। ये हम लोग जो है अस्पताल जब डिमांड करता है, रिक्वेस्ट भेजता है, उनको भेजते हैं। ये इंडिविजुअल नहीं भेजते, अस्पताल के डिमांड पे भेजते हैं। ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें कैंसर हो गया है, जिनका कीमोथेरेपी के बाद में बाल निकल गए हैं। उन बच्चों को दूसरे बच्चे छेड़ते हैं कि तुम गंजे हो गए, टकले हो गए। ये जब बच्चों को कलरफुल देते हैं, ये ब्राइट कलर्स होते हैं, बहुत खुश होते हैं बच्चे ना, और बहुत आराम से इसको पहन के उनको भी थोड़ा कॉन्फिडेंट लगता है जी। ये साइशा का काम है। हाँ जी जी जी। ज्योती, तू ह्या कामाशी कशी जोडली गेलीस? मी एका प्रदर्शनामध्ये शुभा आयर मॅडमना भेटले आणि मागच्याच वर्षी मी रिटायर झालेली आहे आणि मला एक मोठा प्रश्न होता, आता पुढे काय करायचं, 33 इयर्स नंतर काय करायचं हा प्रश्न होता। आणि शुभा आयर ह्या मला मार्गदर्शक म्हणून मिळाल्या आणि त्यांनी मला ह्या संस्थेमध्ये सामील करून घेतलं आणि मला स्वतःला त्यांनी नॉकर्स कसे बनवायचे हे शिकवलं आणि त्याच्यामुळे मी अतिशय त्यांची आभारी आहे की त्यांनी मला एक मार्ग दाखवला आणि त्या मार्गामध्ये आपण काही तर समाजाचे ऋण फेडत असतो आणि ते ऋण नेहमी देण्यातच असतं। देणाऱ्याने देतच जावं, घेणाऱ्याने घेतच जावं, हे विंदा करंदीकरांचं वाक्य आपल्याला माहीत आहे। आणि या शुभा आयरच्या मॅडमनी मला मार्ग दाखवला आणि आता मी सध्या त्यांच्याशी ह्याच्यात जोडली गेलेली आहे आणि बेळगावमधील महिलांनी या उपक्रमामध्ये सामील व्हावं अशी मी त्यांना विनंती करते। एखाद्याच्या दुःखी चेहऱ्यावरती हास्य फुलवणं या इतकं सुंदर काम कुठलंही नसावं आणि साईशा फाउंडेशन हेच हास्य अनेक जणींच्या चेहऱ्यावर फुलवत आहे। ज्या महिलांनी इतकं सोसलेलं आहे त्यांच्यासाठी थोडा तरी दिलासा आपण द्यायला पाहिजे आणि समाजाचं ऋण परत केलं पाहिजे या भावनेतून हे फाउंडेशन काम करतं। त्यामुळे ज्या महिलांच्यापर्यंत हे नॉकर्स पोचणार आहेत त्यांना एक पैसाही खर्च करावा लागत नाही, ही यातली अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे। बेळगावमध्ये शुभा नायर यांनी आता हे काम सुरू केलं आहे, त्यांच्याबरोबर ज्योती मजूकर जोडल्या गेलेल्या आहेत। बेळगावमध्येही अनेक स्वयंसेविकांनी पुढे यावं अशी त्यांची इच्छा आहे। ज्या कोणाला हे काम शिकण्याची इच्छा आहे त्यांना ते विनामूल्य शिकवलं जाईल आणि पुढेही त्यांनी ते विनामूल्यच करावं लागणार आहे। पण ही अत्यंत सुंदर अशी गोष्ट आहे की एक रिकामी बाजू आता एक रिकामी न राहता ती भरली जाणार आहे। त्यामुळे आपण या साईशा फाउंडेशनचे मनापासून आभार मानूयात आणि हे अत्यंत सुंदर काम बेळगावमध्येही आता वेगाने सुरू व्हावं। अर्थात महिलांमधील स्तनांचा कर्करोग होण्याचं प्रमाण कमी होऊ दे, पण ज्यांना ह्या विकारांनी ग्रासलं आहे त्यांच्यासाठी हे काम बेळगावमध्येही सुरू व्हावं अशी अपेक्षा आपण व्यक्त करूया। कॅमेरामन विजय निंबाळकरसह मी मनीषा सुभेदार, तरुण भारत सोशल मीडिया टीम, बेळगाव।